हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ वीकेंड रूटीन। यहाँ पर जी मैं कट कर रही हूँ पाइनएप्पल्स। वैसे मेरे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, तो इन्हें कट करके विनेगर वाटर में डाल देती हूँ। सबसे पहले पानी डालेंगे, ग्रीन चिलीज कट करके डालें, विनेगर और सॉल्ट डालकर मिक्स करके आधा घंटे के लिए रखेंगे। ये मैंगोस भी थे थोड़ा खट्टा, इसलिए इसे भी विनेगर वाटर में डाल देंगे। इस तरह करके रखने से बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। बोल कब फिनिश होगा पता ही नहीं चलता। यहाँ पर मैं स्टोर कर रही हूँ लेमन्स। इस तरह पेपर में कवर करके एयरटाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में स्टोर करने से लेमन्स 1 से 2 महीने तक फ्रेश रहता है। यहाँ पर जी बिरयानी बनाने की तैयारियाँ चल रहा है। संडे है तो बिरयानी तो बनता है। यहाँ पर मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। हर संडे मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की मनपसंद चीज़ें बनाऊँ। वैसे बच्चों को हर चीज़ खाने की आदत डालनी चाहिए, वरना बड़े होकर नखरे दिखाना शुरू कर देते हैं। माओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को सही राह दिखाएं। वैसे मेरे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर रीच हुआ है। थैंक यू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग। ऐसे ही आगे भी सपोर्ट करते रहना। ये देखिए बहुत ही डिलीशियस सा बीफ मसाला तैयार है। हम इसमें राइस डालकर लेयरिंग करते हैं। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाता। अब हम बच्चों को घुमाने के लिए पार्क लेकर आए हैं। संडे को हम कहीं ना कहीं बाहर आउटिंग के लिए बच्चों को ज़रूर लेके जाते हैं। यहाँ पर थी छोटी सी ट्रेन, पूरे पार्क ये घुमा देती है। टिकट्स भी हमने ले ली है। यहाँ पर ये ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ है। इस तरह खुली हवा में घूमने से पॉजिटिव वाइब आता है, नेगेटिव थॉट्स से दूर रह सकते हैं। नेचर से क्लोज होने से माइंड रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग वॉकिंग के लिए भी आते हैं, इससे तन और मन स्वस्थ रहता है। यहाँ पर नेचर का खूबसूरत नज़ारा था। बच्चे भी यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। ये था मेरा वीकेंड रूटीन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।